और बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली के डाबरी से, जहां जुमेरात रात को डाबरी इलाके में 40 साल की खातून को गोली मार दी गई। गोली लगने से खातून की मौके पर ही मौत हो गई। मुलजिम ने खातून को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। खातून का नाम रेनू गोयल और उसका शौहर एक बिल्डर है। रेनू गोयल इस खातून का नाम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक मुलजिम ने 40 साल खातून को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये बड़ी और अफसोसनाक खबर दिल्ली के डाबरी से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जुमरात देर रात की खबर है। डाबरी इलाके में 40 साल की खातून को गोली मारी गई। गोली लगने से उस खातून की मौके पर ही मौत हो गई। मुलजिम ने खातून को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। खातून का नाम रेनू गोयल इस वक्त बताया जा रहा है और उसका शौहर बिल्डर था, ये जानकारी अब तक सामने आई। रेनू गोयल और की गोली मारकर कत्ल किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, इस मामले की तफ्तीश जारी है। आपको बता दें कि इलाके में हड़कंप देखा जा सकता है। असल वजह क्या रही, क्या कोई दुश्मनी चल रही थी या और कोई मामला था, इसकी तफ्तीश के लिए पुलिस फौरी तौर पर पहुंची और जांच इस वक्त की जा रही है। आपको बता दें कि इलाके में हड़कंप देखा गया। 40 साल की इस खातून को गोली मारकर कत्ल किया गया।